जहां राहुल गांधी बर्फ के बीच स्कीइंग करते नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कश्मीर में वेकेशंस पर आए हैं और अपनी छुट्टियों का मजा बर्फ में स्कीइंग करके उठा रही हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दो दिनों के निजी दौरे पर बुधवार को उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग पहुंचे और स्कीइंग की। हाल ही में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत श्रीनगर पहुंचे थे। राहुल गांधी गुलमर्ग जाते समय थोड़ी देर के लिए रुके। यहां पर राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए और सिर्फ उन्हें नमस्कार किया। मौजूद कई पर्यटकों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। कांग्रेस सांसद जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की ढलानों पर स्कीइंग करते देखे गए, जिसे अब लोग भी पसंद कर रहे हैं। दरअसल ट्विटर पर एक यूजर ने शेयर किए गए एक वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, पुरस्कार के तौर पर राहुल जी सफल भारत जोड़ो यात्रा के बाद गुलमर्ग में छुट्टियां मना रहे हैं। यहां पर ट्रेनर्स के साथ राहुल गांधी को गुलमर्ग रिसोर्ट में प्राचीन ढलान पर स्कीइंग करते हुए देखा गया है। यहां पर कांग्रेस नेता ने टूरिस्ट ग्रुप के साथ सेल्फी खिंचवाई, जिससे उनके सुरक्षा कर्मियों को काफी परेशानी हुई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी निजी दौरे पर हैं और घाटी में एक निजी समारोह में शामिल होने की संभावना है। पिछले महीने राहुल गांधी ने 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 3,970 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया था। तो वहीं संसद में अपने भाषणों को लेकर राहुल गांधी परेशानी में आ गए थे, जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। कहा गया कि अडानी को लेकर राहुल ने जो पीएम मोदी पर आरोप लगाए हैं, उसके वे सबूत पेश करें या फिर माफी मांगे। इन सब के बावजूद राहुल कश्मीर की वादियों में बर्फ का मजा लूटते नजर आ रहे हैं।